हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन हम लोगों ने सर्वलेट का डिस्कशन करा था आपके साथ। और सर्वलेट्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ये सर्वर साइड प्रोग्राम होता है, और किस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि सर्वलेट का लाइफ साइकिल क्या होता है और किस तरीके से रिक्वेस्ट रिस्पांस को वो हैंडल करता है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब भी हम लोग कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके अंदर हमको जरूरत पड़ती है, और वो है सेशन ट्रैकिंग। अगर हम सेशन ट्रैकिंग के अंदर देखें तो सेशन और ट्रैकिंग दो वर्ड से मिलकर बना है। सेशन का मतलब होता है कि टेम्परेरीली कुछ चीज़ का चलना, और ट्रैकिंग मतलब कि रिकॉर्ड करके रखना। जैसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, क्लास का सेशन चल रहा है, तो सेशन मतलब कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए चल रहा है वो, और आप जब उसको ट्रैक कर रहे हो, लिख रहे हो, तो मतलब कि आप उसे स्टोर कर रहे हो ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा से उस क्लास में जो भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, आप उसे जब नोट डाउन कर रहे हो तो आप उसे ट्रैक कर कर रख रहे हो ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा से यूज कर सको, ठीक है ना। तो वही चीज को हम लोग जब इंटरनेट पर काम करते हैं तो इंटरनेट के ऊपर हमारे पास एक यूजर नहीं है, मल्टीपल यूजर हमारी वेबसाइट पर आ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि हर एक यूजर के लिए सर्विस मेथड है जो हर एक रिक्वेस्ट को सर्विस कर रहा है। तो मान के चलिए एक amazon.com के ऊपर मल्टीपल यूजर्स आ रहे हैं और सब लोग अपने अपने ऑर्डर्स बुक कर रहे हैं, तो अब मुझे ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये जो है किसका ऑर्डर है, किसने क्या बुक करा था, किसकी पेमेंट आ गई है, कहाँ पर डिलीवर करना है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यूजर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यूजर कौन है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप मेरे पास आते हो मेरे क्लासरूम के अंदर, और मैं आपसे आपका नाम पूछता हूँ डे वन में, और आपसे पूछता हूँ कि भाई आप क्या चीज़ करने के लिए आए, और उसके बाद मैं आपकी क्लास ले लेता हूँ। वो क्लास जो है वो उस दिन का सेशन उस दिन का ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट डे आप फिर आते हो, फिर नेक्स्ट डे मैं फिर आपसे नाम पूछता हूँ आपका, फिर नेक्स्ट डे आते हो फिर मैं रोज़ आपसे नाम पूछूँ, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर एक बार मेरी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख लीजिए ताकि जब भी मैं विजिट करूँ तो आपको मेरा नाम याद हो जाए कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करने आया हूँ, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जब हम लोग लॉग इन करते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, तो लॉग इन करने के दो रीज़न होते हैं। एक तो मेरे को यूज़र को आइडेंटिफाई करना है कि ये मेंबर है या नहीं मेंबर है, और उसके अलावा दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब मेरा यूज़र आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये मेंबर है, तो मैं उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रख लेता हूँ आगे के पेजेस के लिए। क्योंकि लॉग इन करने के बाद वो नेक्स्ट काम के अंदर मेल चेक कर सकता है, या कोई शॉपिंग कर सकता है, या कोई हो सकता है कुछ है ना फाइल डाउनलोड कर रहा है, या कुछ अपना जो है अपलोड कर रहा है। तो उस केस में मैं बार बार यूजर से इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर कि तुम कौन हो, लेकिन मैंने उस यूजर की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रखा है ताकि मुझे पता चल सके कि किसकी मेल सेंड कर, किसकी मेल है ना दिखानी है, कौन सा डाटा मेरे को स्टोर करवाना है, मतलब कि या कोई शॉपिंग कर रहा है तो कौन शॉपिंग कर रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे को स्टोर कर रखनी है। तो उसी चीज़ को हम लोग सेशन ट्रैकिंग करना कहते हैं। तो अगर मैंने सामने लिखा है तो सेशन ट्रैकिंग का सिंपल मतलब है कि सर्विस मेथड हर एक ब्राउजर के लिए और हर एक रिक्वेस्ट के लिए बार बार कॉल होता है, और सर्विस मेथड HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू डू गेट और डू पोस्ट से रिक्वेस्ट रिस्पांस हैंडल करता है, जो कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। तो अगर मेरी रिक्वेस्ट हैंडल होने का दोबारा से वो यूजर दोबारा रिक्वेस्ट भेजता है, तो उस रिक्वेस्ट को किस यूजर ने भेजा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेशन ट्रैकिंग को यूज करने का काम, ठीक है ना। या सिंपल लैंग्वेज में बोले, इन अदर वर्ड्स, वी कैन सी दैट सेशन ट्रैकिंग पासेस द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। सेशन ट्रैकिंग टेम्परेरी स्टेट होती है जो कि लॉस हो जाती है जब आप लॉग आउट करते हो फ्रॉम द साइट से, तो आप इसलिए बोलते हो लॉग आउट करना चाहिए, ठीक है ना। सेशन टाइम आउट हो जाता है, कई बार आप देखोगे कोई आप एंट्रेंस फॉर्म वगैरह भर रहे होते हो, तो उस टाइम के ऊपर अगर आप कुछ टाइम तक नहीं भरते उसे इन्फॉर्मेशन, तो वो अपने आप ही लॉग आउट हो जाता है, टाइम आउट हो जाता है, ठीक है, सेशन टाइम आउट हो जाता है। या फिर कई बार आप देखते हो कनेक्शन विद द सर्वर वाज रीसेट, ऐसे लिखकर आ जाता है किसी वेबसाइट के ऊपर, और उस केस में आपको दोबारा से कनेक्शन करना पड़ता है। तो अगर कनेक्शन रीसेट हो रहा है सर्वर से, या कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो रहा है, या खुद से लॉग आउट कर रहे हो, तो उस केस में आपकी इन्फॉर्मेशन वो लॉस हो जाती है, ठीक है ना, फिर आपको दोबारा से लॉग इन करना पड़ता है। अब सर्वलेट में सेशन ट्रैकिंग करने के चार रास्ते हैं। पहला रास्ता है वो होता है सेशन ऑब्जेक्ट। सेशन ऑब्जेक्ट में जो सेशन ऑब्जेक्ट बनता है वो सर्वर साइड के ऊपर बनता है, और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, ठीक है ना, जैसे कि आपने बोला कि मैंने ये चीज़ें शॉपिंग करी है, तो वो अभी आपने डाटाबेस में एंटर नहीं कराया। देखिए शॉपिंग करने के बाद जब तक आप उस ऑर्डर को कन्फर्म नहीं कर देते हो, अभी शॉपिंग चल रही है, अभी आप उसमें आइटम और ऐड भी कर सकते हो,
ऐड टू द कार्ट से, या फिर आप अभी फाइनल ऑर्डर में जाकर उसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है ना, या अपने फेवरेट में डालकर रख सकते हो कि मैंने अभी, तो उस केस में भी सेशन चल रहा है आपका, ठीक है, तो सेशन में डाटा ऐड हो रही है, निकल रहा है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन को मेरे को मान के चलिए स्टोर करके रखना है। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर रही है, सर्वर साइड पर स्टोर रही है, और वो सिक्योर वे में डाटा स्टोर होता है और बल्क में डाटा स्टोर हो सकता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो रिकमेंडेड जो है वो सेशन ऑब्जेक्ट हो जिसको हम लोग यूज करते हैं। दूसरा तरीका जो यूज करा जाता है वो होता है कुकीज। कुकीज के केस में जो आपकी क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन है या जो भी आप काम कर रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन आप ही की मशीन पर स्टोर होता है, क्लाइंट मशीन पर ही स्टोर होता है, ठीक है ना। और जब आप नेक्स्ट टाइम पर उस वेबसाइट पर विजिट करते हो और आप उस, तो वो वेबसाइट क्या करती है, आपकी मशीन से जाकर चेक करती है कि सेशन अवेलेबल है कि नहीं है, कुकी अवेलेबल है कि नहीं आपकी मशीन के ऊपर। अगर कुकी ऑब्जेक्ट आपकी मशीन पर अवेलेबल होता है तो वो आपका जो सेशन है वो सर्वर से बनाने की जगह वो आपकी मशीन पर से ही सेशन बना देता है। तो इसका मतलब कि ये फास्ट है, कुकी का अगर एडवांटेज देखें तो ये फास्ट है और ये आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी मशीन पर स्टोर करके रख रहा है, जबकि सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर ये थोड़ा स्लो होता है और ये इन्फॉर्मेशन हमेशा जब भी रिट्रीव करेगा सर्वर साइड से रिट्रीव करेगा, ठीक है ना। लेकिन कुकी का डिसएडवांटेज है कि हम बोलते हैं कि ये क्लाइंट मशीन पर डिपेंडेंट है, अगर क्लाइंट मशीन पर आपने कुकीज को इनवैलिडेट कर रखा है तो फिर कुकी नहीं बनेगी और ये सिक्योर नहीं होता। तो आपने कई बार जब लॉगिन करते हो वहाँ पर एक चेकबॉक्स बना होता है और चेकबॉक्स में लिखा होता है रिमेम्बर, ठीक है ना, तो या कोई ऐप वगैरह होती है तो आप उसके अंदर आप एक बार लॉगिन कर देते हो तो वो क्या होता है, वो आपके जब भी आप उस साइट पर जाते हो दोबारा से तो आपको दोबारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लॉग्ड ही रहता है हमेशा। वो जो काम हो रहा है वो कुकी के थ्रू काम होता है, लेकिन आप रिमेंबर जो करोगे वो अपने पर्सनल मशीन के ऊपर रिमेंबर करोगे, आप साइबर कैफे में जाकर रिमेंबर नहीं करोगे, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये कुकी जो है ये हमारा सिक्योर वे में तभी काम करती है जब आप अपना सिक्योर नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसलिए कुकी को हम लोग हमेशा सिक्योर नेटवर्क को यूज करते हैं। तीसरा तरीका जो होता है वो होता है यूआरएल रेटिंग। यूआरएल रेटिंग होने की जो हम लोग यूआरएल में, आपने देखा था कि मैं सबमिट कर रहा हूँ तो एक यूआरएल कॉल हो रहा है, या हम लोग हाइपरलिंक के ऊपर एक नए पेज को कॉल कराते हैं यूआरएल के थ्रू, लिंक के थ्रू कॉल करते हैं, तो उस लिंक के ऊपर हम लोग इन्फॉर्मेशन लिखकर भेज देते हैं। जैसे पिछले एग्जांपल में आपने गेट के अंदर देखा था, तो आपने देखा था गेट के साथ डाटा ऐड होकर जा रहा था मेरा, ठीक है ना। तो ये जो है उसे हम लोग यूआरएल राइटिंग कहते हैं और ये गेट मेथड ही सपोर्ट करता है, और इसका वही डिसएडवांटेज है लिमिटेड डाटा जा सकता है और डाटा जो होगा वो डिस्प्ले में नजर आएगा, इसलिए सिक्योर नहीं होता। और उसी तरीके से एक लास्ट तरीका है हिडन फील्ड। हिडन फील्ड के केस के अंदर जो डाटा है वो एचटीएमएल पेज में हाइड हो जाता है और उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं इस तरीके से इन्फॉर्मेशन स्टोर करकर। इसका वही डिसएडवांटेज है कि ये भी लिमिटेड डाटा स्टोर होगा और सिक्योर नहीं होगा। तो ये हम लोग चारों का एग्जांपल देखेंगे, लेकिन अभी आज हम लोग जो फर्स्ट देख रहे हैं वो सेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू काम करके देख रहे हैं कि सेशन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, और सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे काम किया जाता है। तो सेशन ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने सिंटैक्स देखा है, तो उसमें हम लोग सेशन को ट्रू करते हैं। देखिए रिक्वेस्ट का मेथड होता है गेट सेशन ट्रू। तो गेट सेशन ट्रू क्या काम करता है, अगर तो यूजर का सेशन पहले से बना हुआ है तो उस केस में उसको रिट्रीव करता है, और अगर नहीं बना हुआ तो नया सेशन ऑब्जेक्ट बनाने का काम करता है। तो एचटीटीपी सेशन एक इंटरफेस है, ठीक है, गेट सेशन ट्रू मेथड है रिक्वेस्ट का, जो कि रिटर्न में सेशन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब इस सेशन में हम या तो डाटा ऐड करवा सकते हैं या डाटा को गेट करवा सकते हैं। तो डाटा को ऐड कराने के लिए मेथड होता है सेट एट्रीब्यूट, जिसमें हम लोग डाटा ऑब्जेक्ट ऐड करवाते हैं और नेम ऑफ द सेशन देते हैं, और गेटिंग द डाटा के अंदर हम लोग गेट एट्रीब्यूट और जो भी नेम होता है हम लोगों ने यहाँ पर दे रखा था वही नेम देना होगा यहाँ पर, और उस नेम से वो जो भी डाटा टाइप का ऑब्जेक्ट होगा वो मेरे को ऑफिस से मिल जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में यूज कर देखते हैं। तो मैंने दो टेबल्स बना रखी है आपके सामने, जो मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ, मैंने एक टेबल बना रखी है रेज टेबल। रेज टेबल में यूजर आईडी और पासवर्ड है, ठीक है ना, और प्रोडक्ट टेबल जिसमें मेरे पास प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्रोडक्ट प्राइस है, और साथ में यूजर आईडी है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने प्रोडक्ट के अंदर जो यूजर आईडी है वो फॉरेन की है। किसकी फॉरेन की है, इस यूजर आईडी की फॉरेन की है, क्योंकि जो प्रोडक्ट में जब मैं एंटर यूजर से प्रोडक्ट करवाऊंगा तो मेरे को ये पता लगाना है कि ये प्रोडक्ट किसने रजिस्टर करवाया है। तो जो लॉग इन कर रहा होगा उसी की यूजर आईडी को आगे मैं कैरी करके लेकर जा रहा हूँ, ताकि मैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर उस यूजर आईडी को ऐड करा सकूं कि ये प्रोडक्ट किसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप तो इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, तो मेरे पास एक मैंने डाटा डाला हुआ है, जैसे कि
सॉरी, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रेज। तो मेरे पास ये आप देखोगे तो ये मेरे पास यूजर आईडी है पराग, पराग मेरा यूजर आईडी है, ठीक है ना, और पराग मेरा पासवर्ड है। तो अगर मैं यूजर पराग पराग के नाम से लॉगिन कर रहा हूँ, तो उसके बाद अगर पराग के नाम से लॉगिन करने के बाद मैं प्रोडक्ट में कुछ अपना, जैसे OLX.com है उसके अंदर मैं कोई प्रोडक्ट रजिस्टर करा रहा हूँ, तो मेरी इन्फॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए ना कि ये प्रोडक्ट पराग का है, ताकि मैं बाद में पराग का एड्रेस या ईमेल या मोबाइल नंबर गेट कर सकूं, वो इन्फॉर्मेशन मेरी रजिस्टर में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, एक लॉगिन एग्जांपल पहले बनाते हैं और फिर उसके बाद एक हम लोग प्रोडक्ट का एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है। तो दो एग्जांपल हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है एक डेमो सर्वलेट्स के नाम से प्रोजेक्ट बनाया था, उसी के अंदर ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये वेब के अंदर जाकर मैं एक लॉगिन फॉर्म बना, जैसे मैंने बताया पोस्ट सिक्योर होता है तो पोस्ट में काम करते हैं। एक सिंपल फॉर्म बना दिया, यूजर आईडी ले लिया, पासवर्ड ले लिया और सबमिट बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो लॉगिन नाम का सबलेट फॉर्म। इसके बाद हम लोग यहां पर एक लॉगिन नाम का सबलेट बना लेते हैं। यहाँ पर इसको चेक बॉक्स को चेक कर दीजिएगा, ये शायद लास्ट क्लास में मैंने आपको करा नहीं था, यूआरएल मैपिंग के साथ में इसको ऐड कर दीजिए और इसके अंदर मेरे को इनहेरिटेड मेथड में डू पोस्ट, क्योंकि मैं पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो मेरे को सिर्फ डू पोस्ट चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ऐड हो जाएगा और डू पोस्ट में आकर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर HTML के अंदर जो T1 T2 ले रखा है हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स का नाम, वहां से हम लोगों ने यहाँ पर
डाटा को गेट कर लिया। अब डाटा को गेट करने का मेरे को क्या करना है, डाटाबेस से कनेक्शन करना है। तो डाटाबेस से कनेक्शन करने के लिए आपके सामने मैंने जब JDBC करवाया था आपको, JDBC, तो उसके अंदर हम लोगों ने कनेक्शन मैनेजर क्लास बनाई थी। तो हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं, कनेक्शन मैनेजर, और SRC में पेस्ट कर देंगे। तो देखिएगा ये कनेक्शन मैनेजर मेरे पास आ गया, ठीक है ना। तो कनेक्शन मैनेजर में हम लोगों ने गेट कॉन कर मेथड बना रखा है जो मेरे डाटाबेस से कनेक्शन कर रहा है। तो हम लोग इसी गेट कॉन मेथड को कॉल कर लेंगे। अभी मैं इसमें डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में, नेक्स्ट क्लास में इसी एग्जांपल के अंदर मैं आपके साथ इसी सेम एग्जांपल में डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को भी यूज करके काम कर दिखा दूंगा। तो अब इसको सिंपल रखने के लिए मैं इसके अंदर और इम्पोर्ट के अंदर जो भी कनेक्शन का कोड होता है ट्राई कैच ब्लॉक में होना चाहिए, थ्रोज एक्सेप्शन होना चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि ये इनबिल्ट मेथड है तो इसमें मैं कॉमा करके थ्रोज एक्सेप्शन चेंज कर नहीं कर सकता, तो इसलिए इसके अंदर हम लोगों को ट्राई कैच के अंदर रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली कनेक्शन मैनेजर को हम लोगों ने इनहेरिट नहीं करा हुआ, एक्सटेंड कर रखा है ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक्सटेंड हो रखा है, तो यहाँ पर कनेक्शन मैनेजर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि अब यहाँ पर एक्सटेंड्स ऑलरेडी हम लोगों ने बताया क्लास में ऑलरेडी एक्सटेंड्स एसटीडी सेलेक्ट होता है, तो मल्टीपल एक्सटेंड्स तो कर नहीं सकते, इसलिए मैंने कनेक्शन मैनेजर क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाकर और वहां से मेथड को कॉल करा दिया, ठीक है। तो ये कनेक्शन हो गया। अब कनेक्शन हो जाने के बाद हम लोगों को क्या करना, अगला टेबल का नाम हमारा जो है वो है रेज। जिसमें हमारा कॉलम का नाम है UID1 और PWD। तो ये मैंने बताया था डाटा SQL क्वेरी के साथ जाता है, तो SQL क्वेरी UID के साथ हम लोग डाटा जो भेज रहे हैं वो यूजर से इनपुट मिला है। ठीक है जी, इसके बाद इफ RS.next का मतलब क्या हुआ, ये सब आपको JDBC में देखे हम लोग करा चुके हैं।
तो आप क्या बोलोगे कि मेंबर है, और नहीं तो एल्स में आप क्या बोलते हो नॉट मेंबर है। तो एल्स के केस में आप यहां पर मैसेज देना चाहते हो, तो मैसेज देने के लिए आप यहां पर प्रिंट राइटर ओ इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। प्रिंट राइटर के लिए आईओ पैकेज भी इंपोर्ट करना पड़ेगा और ओ डॉट प्रिंट एल एन सॉरी नॉट मेंबर। अब आप इसके अंदर अगर HTML टैग यूज करना चाहते हो तो जैसे मैंने बोला था आप HTML टैग भी यूज कर सकते हैं H1 H1 नॉट मेंबर। और आप यहां पर अगर उसको बोलते हो वापस जाने के लिए तो आप AHRE, तो ये आपको HTML के टैग्स आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट ही आएगा जैसे आप बैक करने के लिए करते हैं। तो ये क्या है, ये DHTML है। DHTML मतलब कि जो सर्वलेट के अंदर से HTML जनरेट होता है उसे डायनेमिक HTML पेज कहते हैं, क्योंकि वो रन टाइम पर जनरेट हो रहा है, ठीक है। और बैक के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ उसे वापस से login.html कर लेंगे। और बाकी HTML अगर आपको सीखना है तो आप हमारे दूसरे डिजिटल मार्केटिंग और वेब डिजाइनिंग के कोर्स के ट्यूटोरियल देख सकते हैं, उसके अंदर हमारा पूरा डिटेल में HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap और डिजिटल मार्केटिंग हम लोगों ने कवर करा है, ठीक है। ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये हमारे जावा के टॉपिक्स हैं, इसमें हम लोगों ने जावा पर स्ट्रेस कर रखा है, इसमें मैं HTML वगैरह चीज़ें आपको नहीं बता रहा, ठीक है। लेकिन इसकी भी बेसिक नॉलेज हमारे को होनी चाहिए। तो ये तो हमारा सॉरी हो गया, ठीक है। और अगर वो मेंबर है तो मैंने क्या बोला कि मेरे को सेशन बनाना है। तो सेशन मतलब कि क्यों, क्योंकि मेरे को यूज़र की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है कि यूज़र है कौन। तो उसके लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, HTTP सेशन सेशन इज इक्वल टू सेशन, ठीक है। तो यहां पर सेशन प्रूव करने से क्या होगा, सेशन क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, और सेट एट्रीब्यूट में मैं सेशन का कुछ भी नाम दे सकता हूँ, जैसे मैंने नाम दे दिया लॉग। तो अब जितने भी यूजर होंगे जो भी लॉग इन कर रहा होगा सबका लॉग नाम के सेशन बनेगा, कहाँ पर बनेगा, सर्वर साइड पर बनेगा, लेकिन वैल्यू सबों की अलग अलग होगी, क्योंकि कोई राम के नाम से लॉग इन कर रहा होगा तो यूजर आईडी, कोई श्याम के नाम से लॉग इन कर रहा होगा। तो हर एक ब्राउजर के लिए जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो HTML से अलग अलग ब्राउजर से अलग अलग रिक्वेस्ट आएगी, तो जो भी यूजर आईडी होगी वही यूजर आईडी उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ब्राउजर के लिए उस रिक्वेस्ट के लिए स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं सेशन। तो ये जो भी यूआईडी आ रही है वो यूआईडी मैंने यहाँ पे स्टोर कर ली, क्योंकि यूआईडी प्राइमरी की है, ठीक है ना। अब यूजर आईडी स्टोर हो जाने के बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को उसको प्रोडक्ट के पेज के पास भेजना है। तो उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट। अब देखिएगा यहां पर जो है हम लोग जो है प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। अब देखिएगा यहां पर हम लोग क्लिक करने पर HREF का मतलब लिंक पर क्लिक करेंगे बैक पर तो ये लॉगिन डॉट एचटीएमएल पर जाएगा। सेंड रिडायरेक्ट मेथड जो होता है वो ऑटोमेटिकली पेज को कॉल करता है कि जैसे ये काम हो जाए वैसे ही वो प्रोडक्ट के ऊपर चला जाए, ठीक है ना। तो ये वाली जो चीज है यहाँ पर मैं प्रोडक्ट डॉट, यहाँ पर देखिए मैंने लॉगिन डॉट एचटीएमएल लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैं प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल नहीं लिख रहा। एचटीएमएल क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मेरे को एचटीएमएल के जो टैग्स होते हैं वो स्टैटिक टैग होते हैं, उसमें मैं ये चेक नहीं कर सकता कि आप लॉगिन कर आए हो या नहीं लॉगिन कर आए। लेकिन यहाँ पर जो मेरे को प्रोडक्ट का पेज बनाना है वो तभी ओपन होना चाहिए जब आप लॉगिन कर आए हो और मेंबर हो। ये कंडीशन मेरे को चेक करनी है ना कि ये प्रोडक्ट का पेज तभी खुलना चाहिए जब आप मेंबर हो और आपका सेशन बना हुआ है।
तो ये चीज के लिए मेरे को जावा का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे को जो अगला जो पेज बनाऊंगा वो प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल नहीं बनाऊंगा, वो क्या बनाऊंगा, प्रोडक्ट डॉट जावा बनाऊंगा। इसलिए मैंने रीडायरेक्ट जो कर रखा है वो मैंने प्रोडक्ट के स्लैश प्रोडक्ट कर रखा है, डॉट एच टी एम एल नहीं कर रखा, ठीक है ना। तो रीडायरेक्ट से प्रोडक्ट नाम के सर्वलेट के ऊपर कॉल होगा, तब देखते हैं। तो ये मेरा लॉगिन का मैंने इतना काम कर लिया। अब अगला काम क्या करना है, मेरे को एक प्रोडक्ट का फॉर्म बनाना है। तो प्रोडक्ट का फॉर्म, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रोडक्ट का फॉर्म जो होना चाहिए वो मेरा सर्वलेट बनना चाहिए, तो इसलिए मैं एसआरसी में जाऊँ। प्रोडक्ट, ये देखिए प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसको चेक करिए, नेक्स्ट। अब यहां पर जो है मैं कौन सा यूज करूं, डू गेट की डू पोस्ट। तो अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैंने आपको नोट्स के अंदर भी लिखाया था, आप एक बार पुराने वाले मेरे नहीं तो है ना, अगर वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा, तो मैंने बताया था कि जब भी सर्वलेट डायरेक्टली कॉल होता है बिना एच टी एम एल के, ठीक है ना, सर्वलेट में से सर्वलेट कॉल होता है, तो उस केस में डिफॉल्ट मेथड डू गेट कॉल होता है। तो यहां पर देखेगा ये जो प्रोडक्ट है ये सबमिट बटन पर कॉल नहीं हो रहा, ये एच टी एम एल से कॉल नहीं हो रहा, ये रिडायरेक्ट हो रहा है इसके ऊपर। तो जब रिडायरेक्ट होगा तो उस केस में हमेशा डिफॉल्ट मेथड कौन सा कॉल होगा, डू गेट कॉल होगा। तो अब यहां से डू पोस्ट को हटा लेते हैं, ये मेरा प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट में डू गेट आ गया। अब डू गेट में ठीक है, अब डू गेट में जाकर हमको क्या करना है, हमको एक यूजर से इनपुट लेना है कि एंटर योर, क्या लेना मेरे को, ये वाला इन्फॉर्मेशन लेनी है। क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा, मेरे को अब यूजर से जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो लेना है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्रोडक्ट प्राइस। यूजर आईडी नहीं लेना, क्यों, क्योंकि यूजर आईडी अगर मैं दोबारा लूंगा तो फिर सेशन ट्रैकिंग मतलब क्या रहेगा। तो इसको देखिए जो लॉग इन कर करा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन ही मेरे को आगे कैरी करके जानी है। तो इसको देखिए मैं अब यहाँ पर जो यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्रोडक्ट प्राइस ले रहा हूँ। तो कैसे ले रहा हूँ तो देखते हैं, ऑर्डर प्रिंट करने के अंदर देखिएगा फॉर्म टैग का इस्तेमाल, मतलब डीएचटीएमएल बनाना, फॉर्म मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, एक्शन इज इक्वल्स टू तो देखिएगा अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने जो मेथड दिया है वो पोस्ट दिया है और एक्शन जो दे रखा है वो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब कि इसी सबलेट का एक्शन दे रखा है, ठीक है ना, इसी सबलेट का एक्शन दे रखा है। लेकिन अब यहां पर जब पोस्ट है तो वो डू गेट को नहीं कॉल करेगा, वो किसको कॉल करेगा, डू पोस्ट को कॉल करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक ही सबलेट में डू गेट और डू पोस्ट को भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं डू गेट को जो इस्तेमाल कर रहा हूं वो फॉर्म डिजाइन करने के लिए कर रहा हूं, और डू पोस्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, डाटा को गेट करने का काम करूंगा, ठीक है। जैसे देखते हैं
ठीक है। तो यहाँ पर डू गेट के अंदर हम लोगों ने एक फॉर्म डिजाइन कर दिया जिसमें हम लोग यूजर से प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्रोडक्ट प्राइस को गेट कर रहे हैं T1, T2, T3, T4 से, और सबमिट के ऊपर इसी सर्वलेट को कॉल कर रहे हैं प्रोडक्ट नाम के, और उससे पोस्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये डू गेट का डू गेट खत्म हो रहा है, ठीक है ना, ये किसका खत्म हो रहा है, डू गेट। और मेरे को क्या करना है, एक डू पोस्ट ऑपर, तो डू पोस्ट के लिए इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये दो मेथड बन गए, गेट और पोस्ट दोनों एक ही जगह बन गए, ठीक है ना। और इसके बाद स्ट्रिंग पीआईडी इज इक्वल टू ठीक है। तो जो हम लोगों ने यूजर से इनपुट लिया था, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्रोडक्ट प्राइस, वो मैंने यहाँ पर गेट कर दिया। अब उसके अलावा लेकिन मेरे को टेबल के अंदर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट प्राइस के अलावा यूजर आईडी भी चाहिए। अब ये यूजर आईडी जो है वो यूजर आईडी कहाँ पर है, जो हम लोगों ने कहाँ पर सेव करा था, यहाँ पर सेव करा था कि अगर आप मेंबर हो तो मैंने सेशन में यूजर आईडी को स्टोर कर लिया था, तो मेरे को ये ही यूजर आईडी सेशन से वहां पर गेट करना है। तो इसी को कहते हैं सेशन ट्रैकिंग करना। तो सेशन को गेट करने के लिए सेशन को फिर से ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। और हमने यहां पर जो सेशन का नाम दिया था लॉग दिया था, तो सेशन डॉट सेट की जगह गेट एट्रीब्यूट, किसमें किस टाइप का ऑब्जेक्ट था, स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट था, स्ट्रिंग। तो इस तरीके से सेशन में आपने, अगर वो मेंबर था तो आपने यहां पर भेजा, और यहां पर भेजने के बाद आपने एक फॉर्म डिजाइन करा, और फिर सेशन में से आपने वैल्यू यूजर आईडी की यूजर आईडी कौन है जिसने लॉग इन करा वही है, तो यूजर आईडी यहां पर गेट है। इसके बाद हम लोग फिर से मेरे को डाटाबेस से कनेक्शन करना है, तो हम लोगों ने जो कनेक्शन मैनेजर C=new कनेक्शन मैनेजर और C.get फॉर्म
अब मेरे को क्या करना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज में ऑर्डर यही होना चाहिए जो टेबल का है, ठीक है ना। ये हमारे पास वेयर कर और क्वांटिटी नंबर है, ठीक है। तो पहला है प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी मीन सिंगल कोट। दूसरा है प्रोडक्ट नेम, के बाद सॉरी दूसरा है यूजर आईडी, प्रोडक्ट आईडी के बाद है यूजर आईडी। तो यूजर आईडी दोनों नंबर है, तो नंबर के यहां सिंगल कोट नहीं लगेगा। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज, प्रोडक्ट आईडी कॉमा यूजर आईडी कॉमा प्रोडक्ट नेम कॉमा क्वांटिटी कॉमा प्राइस, ठीक है ना। तो इससे एग्जीक्यूट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कॉम डॉट, कॉन्डक्ट कमिट नहीं भी करेंगे तब भी कमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर भी मैसेज देना है कि भाई प्रोडक्ट इंसर्टेड, तो आप यहाँ पर प्रिंट एट्रैक ऑब्जेक्ट दोबारा बना लेते हैं। उसके बाद ओ डॉट प्रिंट एल एन प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेटिव आपको दिखाया है सेशन ट्रैकिंग को यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको एक बार रन कराएं तो फोल्डर कैसे को सेलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट के फोल्डर को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और रन एज जावा एप्लीकेशन नहीं रन ऑन सर्वर। सर्वर मैंने आपको बता ही दिया था लास्ट टाइम हमने ऐड कर कि कैसे ऐड कराया जाता है, ठीक है। फिनिश कर दीजिए। तो हमारा जो पेज है वो पेज है हमारा login.html। तो इस login.html को कॉल करते हैं, और login.html को कॉल करने के बाद मैं यहाँ पर पराग यूजर है मेरा और पराग पासवर्ड है मेरा। तो अगर मैं मेंबर हूँ तो मेरे को वो अच्छा वो ओरेकल की क्लास नहीं मिल रही है। देखिए एक एरर दे रहा है हमारे को कि ओरेकल ड्राइवर नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओरेकल ड्राइवर के लिए आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा ओरेकल का ड्राइवर। तो ओरेकल का ड्राइवर मैंने आपको बताया था कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो मैंने बताया था सी के अंदर आपका ओरेकल के अंदर ऐप ओरेकल प्रोडक्ट
और JDBC ले में से ये दोनों जार फाइल्स को आप कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी और आप अपने एक बार टॉमकैट में आकर यहाँ पर जो है लिब है इस लिब में पेस्ट कर दीजिए। ठीक है तो ये लिब में पेस्ट हो गया। एक बार इसको रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है और रिफ्रेश हो जाने के बाद सर्वर को यहाँ से स्टॉप कर लेते हैं। सर्वर स्टॉप हो गया एक बार दोबारा से रन कराकर चेक करते हैं। सॉरी राम बोलने दो। ठीक है दोबारा चेक करते हैं। इनवैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट एक बार चेक करते हैं। इनवैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट कौन सी है हमारी तो लॉगिन डॉट जावा में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रेज वेयर यूआईडी वन इज इक्वल्स टू दिस एंड पीडब्ल्यूडी इज इक्वल्स टू दिस एक बार देखिएगा स्टेटमेंट में कंप्लीट वेयर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर यूजर आई डी वन इज इक्वल्स टू जो भी यूजर आई डी आ रहा है एंड पी डब्ल्यू डी जो चेक करते हैं पी डब्ल्यू डी भी है पी डब्ल्यू डी एंड पी डब्ल्यू डी इज इक्वल्स टू चेक करते दोबारा से कनेक्शन गेट कनेक्शन से कनेक्शन गेट हो जाएगा गेट कनेक्शन से कनेक्शन गेट हो जाएगा रिटर्न में कनेक्शन रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है तो रिटर्न में कनेक्शन रिटर्न कर रहा है कनेक्शन से क्रिएट स्टेटमेंट स्टेटमेंट आएगा स्टेटमेंट ऑफ एग्जीक्यूट होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेज वेयर यूजर आई डी वन ठीक है यू आई डी वन एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर इसको जरा स्ट्रिंग क्यूरी इज इक्वल्स टू तो अगर आपको डीबगिंग करना हो कभी सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन लिखेंगे तो वो टॉमकैट सर्वर पर प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्वेरी में हमारा एरर तो नजर नहीं आ रहा मेरे को लेकिन फिर भी एक बार इसको क्वेरी को प्रिंट करा लेते हैं। ये फॉरेस्ट डॉट नेक्स्ट तो ये प्रोडक्ट के पेज के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है और नहीं तो बैक पर चला जाना चाहिए। एक बार चेक कर लेते
अच्छा सेलेक्ट में देखेंगे अब यहाँ पर सी रह गया, इतनी सी गलती है, तो प्रिंट करने से मेरे को पता चल गया कि यहाँ पर हमारा सेलेक्ट के अंदर सी रह गया। एक मिनट, तो बस यही एरर था, SELECT सेलेक्ट सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट स्टार फॉर पेज, ठीक है ना। तो देखिए, तो इस तरीके से देखिए आपके सामने लाइव एग्जांपल के अंदर हम लोग चलाकर देख रहे हैं, तो हम लोगों ने डीबगिंग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हो रही है। इसको सर्वर को एक बार स्टॉप कर लेते हैं, दोबारा से चला लेते हैं। तब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, तब ये किस पर चला गया, देखिए प्रोडक्ट के ऊपर चला गया, तो प्रोडक्ट का यहाँ पर जो है गेट के थ्रू फॉर्म जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट आईडी में कुछ भी डाल देता हूँ, SD1 प्रोडक्ट नेम SD, और अब यहाँ पर देखिएगा प्रोडक्ट क्वांटिटी प्रोडक्ट प्राइस नहीं आ रहा, तो फिर से इसका मतलब कि मैंने यहाँ पर इनपुट टाइप, यहाँ पर टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू T1 इनपुट नेम, अच्छा यहाँ पर इनपुट की जगह Y आ गया, ये देखिए जस्ट टाइपिंग मिस्टेक्स हैं इनपुट ये करते हैं। इसमें एक और चीज़ अगर बोले कि आप लॉगिन कर कर आए हो यही चेक करना है मेरे को, तो ये भी चीज़ देखिए इसके अंदर कर सकते हैं हम लोग कि अगर आप लॉगिन कर कर नहीं आए तो एरर आ जाए, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर देखिए कर कर दिखा देता हूँ आपको मैं। जब हम लोग यहाँ पर गेट में जा रहे हैं तो गेट में भी हम लोग सेशन को गेट कर सकते हैं, तो मैंने सेशन को गेट करा, उसके बाद हम लोग अगर यूजर अगर सेशन में कोई वैल्यू होगी तो आप लॉगिन कर कर आए हो, नहीं तो नहीं लॉगिन कर कर आए। तो अगर मैं यहाँ पर इफ यू आई डी इज इक्वल टू नल, अगर यूजर आई डी में कुछ नहीं आ रहा तो मतलब कि सेशन में कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पर मैसेज दे सकता हूँ o.println Not logged in, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूजर को एक मैसेज दे सकता हूँ, नॉट लॉग इन, और अगर यूजर यू आई डी में कोई वैल्यू होगी तो उसका मतलब कि आप लॉग इन कर कर आए हैं, तो उस केस में ये फॉर्म डिस्प्ले में नजर आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने इसमें और ये चीज और ऐड कर दी, तो अब देखते हैं दोबारा से। देखिए आप कोई बंदा अगर डायरेक्टली प्रोडक्ट पर जाता है, प्रोडक्ट कभी सेशन नहीं बना है, तो देखिए आप लिख कर आ रहे हैं नॉट लॉग इन, ठीक है ना, देख रहे करवाते, तो इसमें देखिए अब आपको यहां पर जो है लॉग इन डॉट एच टी एम एल से ही जाना पड़ेगा। तो ये सेशन ट्रैकिंग देखिए, और तो अब यहां पर देखिए आगे टच, तो प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी SD1 और 200, तो ये कुछ भी इंफॉर्मेशन, लेकिन अब यहां पर यूजर आईडी नहीं डाला क्योंकि यूजर आईडी हम लोगों ने पहले से एंटर करा रखा है, तभी तो इस पेज पर आया है वो, ठीक है, नहीं तो वो लॉगिन कर मैं एरर दे रहा था नॉट लॉगिन, तो अब वही इंफॉर्मेशन मेरे को आगे कैरी करके जाना है। तो देखिएगा लिखकर आ गया प्रोडक्ट एडिट, दैट मीन्स अगर मैं यहां पर देखूं अपना देखेगा ये मेरा यहाँ पर SD1 ऐड हो गया, SD पराग, तो यूजर भी ऐड हो गया कि किसका प्रोडक्ट है, ये पराग का प्रोडक्ट है 212। तो मेरे ख्याल से आज के सेशन के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि सेशन ट्रैकिंग क्या होता है और उसका क्या रोल है एक वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए, ठीक है ना।
तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे स्टार्ट करते हैं।